खबर गरियाबंद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने वर्मी कंपोस्ट में मिलावट करने के आरोप लगाकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बीजेपी ने प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी कर वर्मी कंपोस्ट में की गई घपले की जांच की मांग की है और इसको लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप वर्मा, विधायक डमरूधर पुजारी, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी समेत सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार भूपेश सरकार ने किसानों को ठग रहा है, आर्मी कंपोस्ट बोल रहा है और मट्टी को बेच रहा है किसानों को, ये जनता को और किसानों को। ये ठगने वाला भूपेश सरकार, ये कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आम जनता से लेके किसान तक ठगने वाला है। पूरे प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और धूल से भरी बोरियों को किसानों को टिकाया जा रहा है। प्रति एकड़ अनावश्यक 900 रुपए का खाद लेने के लिए गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में जिन किसानों को, पीड़ित किसान है किसी किसी मामले में, उनको मुआवजा देने की जब बारी आती है तो भूपेश बघेल जो है पीठ दिखाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख का मुआवजा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की जब बारी आती है तो उनको 20,000 रुपए दे करके उनको फुसलाने का काम करते हैं। ये भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव की नीति है और एक बुरी नीति सरकार की है। और तीसरी बात यह है,